हेलो फ्रेंड्स, मीनूज़ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा समोसा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं पिज्ज़ा समोसा। पिज्ज़ा समोसा बनाने के लिए ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक टमाटर जो कि बीज वाला पार्ट होता है उसको हटा के ऊपर का हार्ड पार्ट होता है उसे काट लिया है। एक प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एक शिमला मिर्च, आधा कप स्वीट कॉर्न है, ये उबले हुए स्वीट कॉर्न है, थोड़े से चिली फ्लेक्स, पिज्ज़ा सीजलिंग जो आती है ऑरिगेनो वो, उसके बाद 3 चम्मच मेयोनीज, 2 चम्मच पिज्जा सॉस और नमक स्वाद अनुसार और गोल मिर्च का पाउडर यानी कि वो ब्लैक पेपर जो होता है उसका पाउडर। चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं सबको। एक बाउल लेंगे, उसमें पनीर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज्जा सॉस, मेयोनीज, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, इन सबको मिक्स कर देना है। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम डो की तैयारी करते हैं। पिज्जा समोसा डो के लिए ये मैंने 1.5 कप आटा लिया है मैदे का। और उसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डालना है नमक, और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। हल्का हल्का पानी डाल के इसमें, और एक पहले इसको अच्छे से इसका मिक्स कर ले। आप यहाँ पे चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं गेहूं का। इसमें हल्का हल्का पानी डाल के और इसका डो तैयार कर ले। ये डो तैयार हो गया। अब इस पे हम थोड़ा सा घी लगा के ऊपर से और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये डो भी तैयार हो गया और डो को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। ये मैंने तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम समोसा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लोई ले लेंगे और एक रोटी की तरह बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करके और ओवल शेप बेलना है, थोड़ा सा लंबा। बीच से कट कर लेना है इसे। यहाँ पे पानी लगा के और इसे चिपका लेना है एक दूसरे पे ऐसे करके। हमने स्टफिंग बनाई है वो लेके इसमें डाल लेंगे और इसको बंद कर देना है ऐसे करके, इस पॉइंट से इस पॉइंट को। देखिए ये
समोसा का शेप बनके तैयार हो गया। इसी तरह हम इसे भी बना लेते हैं। इसमें स्टफिंग डाल दें, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालें वरना ये फट जाएगा और ये चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए, ये मैंने समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तेल जो है वो गर्म हो गया है, हम चेक कर लें इसे। देखिए ये ऊपर की तरफ आने लगा है, तो हमने जितने भी समोसे बनाए हैं उसे हम इसमें डाल देते हैं। उलट पलट उलट करके इसे अच्छे से लाल कर लेना है। समोसा जो है लाल हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह आप जितने भी समोसे बनाने हैं वो बना लें।